छात्र मतलब आपके बच्चे जो हैं आज IAS PCS हैं, अच्छे जगह जब पोस्टेड हैं, पढ़ाई का क्या महत्व होता है चाचा जीवन में? पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। आजकल आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। यदि पढ़ेंगे नहीं पढ़ते तो सभी कोई IAS PCS हो जाता। जो पढ़ेगा वही ना होगा। आपके भी सुपुत्र बहुत मेहनत किए होंगे? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा किए। वो तो पढ़ते पढ़ते इसी के अंदर दुकान के नीचे बैठ के पढ़ता था, वो जो नीचे से दिखी उसी के अंदर बैठ के इसी में हम सोते थे, रहते थे, पढ़ाते थे, उठाते थे अपने बच्चों। BHU से पढ़े हुए छात्र हैं, BHU में ही दुकान है, दुकान के नीचे बैठ करके पढ़ लेते हैं, आज IAS PCS हैं। और चाचा आज के समय में इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स बन गए हैं, उस समय तो कोई हॉस्टल नहीं था, बस ब्रोचा, बिरला, रुइया, धनवंतरी, लिमरी, यही सब था, राजपुताना था। आज इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है, बढ़िया बढ़िया एकदम हॉस्टल बन गए हैं, फिर भी देख रहे हैं माहौल पढ़ने लिखने का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या आजकल देख ही रहे हैं, बच्चों का हाल देख रहे हैं ना, कैसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं सर। सभी बाप मतारी तो पैसे देने से कोई इनकार नहीं करता है, खूब देते हैं पैसे, वो क्यों नहीं हो जाते हैं IAS PCS, हो जाना चाहिए। आग नहीं अंदर, बस पढ़ाई नहीं हो, खाली घुमाई है, बैठा के गाड़ी पर लड़कियों के इधर उधर घूमना फिरना, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते बच्चे। 3 साल तक हम समय बिताते हैं जब हम कैंपस में आते हैं, बताइए कुछ गलत बोलूँगा तो तुरंत रोक दीजिएगा, आपके पास ही माइक लगा हुआ है। हम 3 साल के लिए कैंपस में आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे तो 4 साल करेंगे, MBBS करेंगे तो 5 साल करेंगे, ये हमारा बेस होता है। एक और बेस होता है 11-12 जब हम बिगड़ना स्टार्ट करते हैं। यदि कोई भी बच्चे यदि 18 के पहले संभर गया, 20-22-12 निकाल लिया बढ़िया तरह से, तब तो बच्चे निकलते चले जाएंगे। हाँ, एक फैक्ट्री तैयार हो गई, उनकी तैयारी ज़्यादा करके तो हाईएस्ट 12-10-12 यही चलता है ना, वही हर जगह घूमता है। हाँ, फार्म उसका वही हर जगह घूमता है। हाँ, रिजल्ट पहले 10 का, फिर उसके बाद एडमिशन होने जाता है तो 12 खोजते हैं, खोजते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, 13 नहीं खोजते हैं, 14 नहीं खोजते हैं, 13-14 जाएंगे तो BA करना शुरू कर देंगे। हाँ, बात दरअसल ये है कि हम जब कैंपस में रहते हैं तो हमें लगता है कि ये छूट मिली है घर से, घूम लो, टहल लो, ऐश कर लो, नशा कर लो, मतलब हर चीज़ जो आप बोल रहे हैं, लड़की को घुमाने का काम सब कुछ, हाँ, सब लोग करते हैं, लेकिन उसकी दिनचर्या क्या होती होगी जो एक दिन IAS बन जाता है, जो एक दिन प्रोफेसर बन जाता है, उसकी दिनचर्या थोड़ी सी तो अलग होती होगी। जब वो अपना उसी पर ध्यान देंगे, हाँ, जिसलिए BHU में आए हैं, जब उसका ध्यान देंगे तो क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे रात रात, और लड़के पढ़ने वाले पढ़ते ही। समय बिताना बंद करें ना। अगर आपको लगता है कि संगत का असर, चाचा बात करेंगे थोड़ी सी, संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है, संगत अच्छा कर, पढ़ाई लिखाई में जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ, उनका साथ कीजिए, उनको से मिलिए, उनसे दोस्ती कीजिए, वो अच्छे अच्छे बात बताएंगे पढ़ाई लिखाई का, वैसे के साथ संगत करेंगे तो जो संगत में वो घूम रहे हैं वही करेंगे, वही बात बताएंगे, दूसरी तो बात बताएंगे नहीं। तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई जो संगत करेंगे वही करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। और संगत का असर बहुत बड़ा बहुत होता है, संघर्ष से गुड़ होत को है, संघर्ष से गुड़ का संगत ही सब कुछ होता है। आप संगत बढ़िया करेंगे, संगत हर चीज, हम तो जानते हैं कि जो 25 बरस त्याग कर देगा तो 2 चीज बन सकता है, बहुत आगे जाएगा या कोई संत बन जाएगा, जिस विभाग में आप जाएंगे। 25 बरस त्याग कर दीजिए और जिंदगी भर आप मजा लेंगे, 25 बजे तकलीफ उठा लीजिए, पर उसके बाद तो फिर ऐश आराम कीजिए ना, खूब करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है।
और जब 25 के भीतर ही आप ऐसे आराम करना शुरू कर देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? बस उसी तरह रुक जाइए, बस जैसे संगत की वैसा करिए। सही बात। सुन लो बच्चों, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? संगत में अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आपको कोई गलत आदमी मिल गया है, तुरंत छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें, तुरंत छोड़िए। अच्छा बच्चे का संगत कीजिए जो पढ़ने वाले हैं। पहले तो जो अच्छा बच्चा रहेगा तो संगत करेगा नहीं, आपके साथ आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। आपका नेचर जान जाएगा कैसा। यदि वो बच्चा जान गया कि पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, उसको संगत में मिलेगा। यदि पढ़ने वाले विद्या देने वाले लड़के होंगे तब सब कुछ मतलब होता है। सब कुछ हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा बोलूँगा कि संगत का एक बहुत बड़ा असर होता है। अगर आपको लगे कि आपके जो संग में रहने वाले, साथ में रहने वाले दोस्त आप में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप जो क्वालिटी जो आप सोचते हैं वो मेंटालिटी नहीं है, तो आप उनको बाइकआउट करिए, तुरंत दुनिया बदलिए अपनी। जैसे आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, वैसे अपने लाइफ में सोच को अपग्रेड करिए, आगे बढ़िए। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं फंस के रह जाएंगे। हाँ, एक दिन आप उस दोस्त को छोड़ेंगे, एक साल बाद छोड़ेंगे, कहेंगे यार मैं एक साल और बाद चला गया। सही बात है। जब बहुत गड़बड़ उनको समझ में आएगा दोस्ती में कि ऐसा हो गया, तो ऑटोमेटिक वो संगत छोड़ देंगे, यदि पढ़ने वाले बच्चे होंगे। और यहाँ पे संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है BHU में, खास बहुत ज़्यादा संगत, तो इतना संगत से असर बढ़िया पड़ता है, ख़राब होता है, दोनों बात होती है। BHU में आए तो हम क्या करें? बस BHU में आप आ गए भगवान के दया, मालवीय जी के जगह से आपका एडमिशन हो गया, तो पढ़ लीजिए बाबू। नहीं मिलता एडमिशन यहाँ पे, बहुत खास होते हैं, लक होता है तभी मिलता है एडमिशन, इतना आसान नहीं है BHU में एडमिशन पाना।